बीएसपी रह रही है, क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं यहाँ पे? चुनावी मुद्दे सब जनसामान्य से संबंधित है, बिजली, हाँ। सड़क, पानी, हाँ हाँ। रोजगार, हाँ हाँ। लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, हाँ हाँ। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, हाँ हाँ। इसको लेकर बहन जी मायावती का पिछले बार का भी जो शासन रहा है, हाँ। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कितना लोगों के हित में काम किया है, हाँ हाँ। गरीब से गरीब वर्ग के लिए काम किया है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, और जो जुमलेबाजी है, जुमलेबाज होते हुए भी उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई चरम सीमा पर है। इन मुद्दों को लेकर बीएसपी एक सामाजिक संगठन, एक आर्थिक शोषण जो हो रहा है उसको लेकर ये संघर्ष कर रही है। क्या कुछ रणनीति रहेंगी बीएसपी के आगामी चुनाव को लेकर? क्या बोले, क्या कुछ रणनीति रहेंगी? यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय, सामाजिक और महंगाई को लेकर, और गुणवाना गणतंत्र पार्टी, हाँ। और बहुजन समाज पार्टी मिलकर ये चुनाव लड़ रही है, हाँ। दोनों शोषित पीड़ित समाज है, ने आदिवासी, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति, अच्छा, ये तीनों पे हर पार्टी शोषण करती है, तो हम अपनी सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे आए हैं। फिलहाल